ज्यादा समय नहीं लेते हुए दो मिनट में बताऊंगा कि अमृत और गंगा का क्या कनेक्शन है, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। और जो लोग पढ़े हैं उनको मालूम होगा कि सतयुग के समय के ऊपर समुद्र मंथन हुआ था और देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के अमृत को समुद्र में से निकाला था। अमृत निकलने से पहले विष निकला था जिसको लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, और विष को ग्रहण किए बगैर अमृत नहीं मिल सकता था। सभी देवता पीछे हट गए थे तो भोले शंकर ने विष को अपने गले में ले करके, इसीलिए उनको बोला गया नीलकंठ। और तभी हमारी सृष्टि को अमृत सफल हो सका था। और उसी प्रकार से जब भागीरथी जी ने एक ऐसी नदी को पृथ्वी के ऊपर लाने के लिए पूजा किया जिससे कि इंसान का मनुष्य जाति का गति हो सके, तो प्रार्थना के बाद गंगा जी ने पृथ्वी पे आने का स्वीकार किया। लेकिन एक ही चीज बताई कि अगर मेरा प्रवाह इतना तेज है, अगर गंगा उस रूप में पृथ्वी पे आएगी तो शायद पृथ्वी चकनाचूर हो जाएगी, इतना प्रवाह तेज गंगा जी का था। तो भागीरथ जी ने उपाय पूछा तो बोले एक ही तरीका है कि भोले शंकर की जटाओं के जरिए होते हुए गंगा को पृथ्वी के ऊपर लाया जाए। और इस तरीके से गंगा जी को भोले शंकर की जटाओं के रास्ते पृथ्वी पे उतारा गया ताकि वो तेज, वो जो गंगा जी का तेज है वो कंट्रोल हो सके और गंगा जी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति की गति के लिए, खेती और ये सुख समृद्धि तो बाद में है, इंसान का गति जो भागीरथ जी ने प्रार्थना किया था उनके पूर्वजों की गति के लिए, इसीलिए गंगा जी के अंदर जो है अस्थि विसर्जन होता है। तो दोनों के बीच में एक सूत्रधार है, अमृत और गंगा के बीच में एक सूत्रधार है और वो है भोले शंकर। और उन्हीं का आज दिन है जो महाशिवरात्रि के दिन, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई भी लोकेशन हो नहीं सकता था। तो थैंक यू वेरी मच।